टाटा की एच बी एक्स एक ऐसी कार जिसके लिए आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें हैं आपको कि कैसी ये कार कॉम्पीट करेगी, क्योंकि माइक्रो एसयूवी 5 लाख रुपए के सेगमेंट में ज्यादा आपको दिखता नहीं है, ये एक ऐसी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में उतरने वाली है और अच्छी अच्छी हैचबैक्स के साथ टक्कर देंगी, तो कैसी होंगी इन सब के बारे में आपको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में, बहुत सारे नए अपडेट्स के साथ आज हम आए हैं इस वीडियो में। मैं अनिर्बान बैनर्जी टर्बो ड्राइव के इस नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाने से पहले लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा देना, नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर से जरूर कर देना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स है, जैसे कि यहाँ पे एक्सटीरियर में टॉप एंड वेरियंट फिर से एक और फुल्ली फ्लैश टॉप एंड वेरियंट जो है वो हमें दिखते हुए मिला है, साथ ही साथ यहाँ पे इंटीरियर कैसा दिखेगा वो भी हमें पता चल गया है, साथ ही साथ यहाँ पे जो नया लॉन्च डेट है वो एक बहुत बड़ा अपडेट है वो भी हमें मिल गया है। तो है बहुत कुछ बात करने को, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर में जो अपडेट है वो टॉप एंड वेरिएंट में हमें फुल्ली एक एलईडी व्हाइट कलर की हेडलैम्प्स हमें दिखते हुए मिली है, साथ ही साथ अपडेटेड अलॉय व्हील्स वगैरह, एक नया टाइप का अलॉय व्हील्स यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा, तो एक्स्ट्रा अपील जो है वो रहेगा। पीछे बूमरैंग टाइप का एलईडी टेल लैम्प्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ओवरऑल फंकीनेस जो है वो भी यहाँ पे सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट था उससे ही आपको मिलेगा। ओवरऑल व्हील आर्चेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंटेन है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट जो था वही यहाँ पे डिजाइन रखा गया है और ये बहुत अच्छी बात है। और इंटीरियर में अब चलते हैं, तो इंटीरियर में हमें पहले इमेजेस जो है वो दिखते हुए नहीं मिले थे, लेकिन रिसेंटली हमें इंटीरियर की इमेजेस जो है वो ऑफिशियली दिखते हुए मिल गया है, ऑफिशियली आप कह सकते हैं लीक इमेजेस दिखते हुए मिल गया है। इंटीरियर में आपको 70% जो पार्ट शेडिंग है वो आपको एविडेंटली दिखता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर टाटा अल्ट्रोस की है, स्प्लिट इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर है, आधा यहाँ पे डिजिटल वाला है और आधा टैकोमीटर वाला है, तो डिजिटल वाला काफी अच्छा इंटरफेस है टाटा अल्ट्रोस में, हमें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करने में मिला था। और यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी टाटा अल्ट्रोस का ही है, सेम टू सेम टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेम पोजीशन सब कुछ सेम है। नीचे आप जाएंगे तो डैशबोर्ड के नीचे आप देखिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का एरिया जो है वो भी आपको वहां पे सेम टू सेम देखेगा जो टाटा अल्ट्रोस के साथ शेयर किया गया है। मेनली सामने का जो थोड़ा सा लुक है वही यहाँ पे चेंज किया गया है और एसयूवी अपडेटेड लुक्स के साथ यहाँ पे अपडेट कर दी गई है, तो एक अच्छा एडिशन है। स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब कुछ टाटा अल्ट्रोस के साथ शेयर किया जाता है। ओवरऑल ये पूरी की पूरी कार 70% पार्ट शेयरिंग में चलेगी विद टाटा अल्ट्रोस, जो कि एक अच्छा अपडेट है। मानता हूं कि कॉस्ट कम होगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी। तो फिर इंटीरियर की अपडेट्स की हमने बात कर ली, फीचर्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड्रॉइड और एप्पल कार प्ले, सारी फीचर्स आपको यहाँ पे जो भी मेनली आप टाटा अल्ट्रोस में देखते हैं ऑलमोस्ट वही सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखते हुए मिलने वाले हैं। इंजन के बारे में बात करें तो 1.2 लीटर की वही छोटी सी टाटा टियागो की टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो है वही आपको यहाँ पे दिखने वाला है, कुछ ज्यादा खास पावर एंड टॉर्क फिगर्स नहीं है, पंची इंजन नहीं है, थोड़ी सी स्लगिश इंजन लगती है, पिकअप उतना अच्छा नहीं है, तो यही एक आधो छोटी मोटी इश्यूज है उस इंजन के साथ। और उम्मीद करता हूँ ये टाटा की ये नई एचबीएक्स की वेट जो है वो अल्ट्रोस से कम ही होगी और हमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस अल्ट्रोस के कंपैरिजन में यहाँ पे मिलने वाला है। लास्ट में जिसके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं कि इसकी लॉन्च डेट का क्या हुआ, 2020 एंड तक लॉन्च होने वाली थी ना, जी हाँ, लेकिन कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया ठप पड़ गई है, तो यहाँ पे टाटा ने फिर से नया डिसाइड किया है, हम जो ये कार है ये 2021 के स्टार्टिंग में लॉन्च करेंगे। मेनली आप उम्मीद करके चलिए जनवरी फरवरी में ही ये कार लॉन्च होगी, क्योंकि टाटा की रिवाज रही है उस टाइम पे हैरियर अल्ट्रोस सारी कार्स को उसी टाइम पे लॉन्च करते हुए रिवाज रही है, तो ये 2020 के स्टार्टिंग में ही ये मेनली ये कार को लॉन्च करने वाले हैं। और इनकी जो अपडेटेड लाइनअप है ये इन्होंने कहा है कि हर 6 महीने में वो अपडेट करेंगे अपनी एक एक लाइनअप को, तो ये वो लाइनअप भी अपडेट होता रहेगा, ये मुझे लगता है एक अच्छी मूव है, लेकिन कैसा अपडेट रहेगा वो अभी देखना बाकी है। अगर टाटा की HBX या टाटा की हॉर्नबिल जो है इसके बारे में और ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जरूर जरूर ऊपर आई बटन में जाइए, पहले के वीडियोस में मैंने अपने लेटेस्ट अपडेट्स बता दिए हैं, मिड वेरिएंट भी स्पाई हो गई है तो उसमें मिड वेरिएंट का भी अपडेट है, जाके ऊपर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।